नमस्कार, मैं पंकज चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे आपको। आज हम लोग JSSC CGL के लिए कुछ स्पेशल प्रमुख राजवंश, संस्थापक और राजधानी की चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, राजधानी राजगृह थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे, राजधानी वैशाली थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, राजधानी पाटलिपुत्र था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त थे, राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, राजधानी पाटलिपुत्र। कन्नौ वंश के संस्थापक वासुदेव थे, राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख थे, राजधानी प्रतिष्ठान। ठीक ना, सातवाहन, सिमुख, प्रतिष्ठान। सातवाहन और इसकी सिमुख इसके संस्थापक हो गए, प्रतिष्ठान इसकी राजधानी हो गई। चलिए कुषाण वंश, कुजुल कटफिशेस इसके संस्थापक थे और पुरुषपुर इसकी राजधानी थी, पेशावर। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, पाटलिपुत्र राजधानी थी। वकाटक वंश के जो संस्थापक थे विंध्य शक्ति थे। हूण वंश के संस्थापक तोरमान थे, राजधानी सियालकोट थी। वर्धन वंश के जो संस्थापक हैं पुष्यभूति थे और राजधानी थानेश्वर या कन्नौज थी। पांडे वंश के जो संस्थापक हैं नेडियोन हैं और राजधानी मदुरै है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं, राजधानी तंजौर है। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह वर्मन चतुर्थ हैं, राजधानी कांचीपुरम है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग हैं, राजधानी मान्यखेत है। चालुक्य कल्याणी के जो चालुक्य हैं उनके संस्थापक तैलप द्वितीय हैं, राजधानी मानखेट या कल्याण है। और चालुक्य जो बादामी के हैं उसके संस्थापक जयसिंह प्रथम हैं और इसकी राजधानी वातापी है। चालुक्य वेंगी के चालुक्य जो हैं उसके संस्थापक विष्णुवर्धन जी हैं और इसकी राजधानी वेंगी है। होयसल के होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन हैं और इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। यादव वंश के जो संस्थापक हैं भिल्लम पंचम हैं और इसकी राजधानी देवगिरी है। कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन हैं, इसकी राजधानी वनवासी है। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम हैं और इसकी राजधानी अमकुंड है। गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त पंचम हैं, इसकी राजधानी कुवलाल या तलकाड़ है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल है, इसकी राजधानी मुंगेर है। सेन वंश की जो संस्थापक है सामंत सेन है, राजधानी लखनौती है। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन हैं। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन हैं। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज जी हैं और वनमन या कामरूप वंश के संस्थापक पुष्य वर्मन हैं। राजधानी प्राग ज्योतिषपुर है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नाग भट्ट प्रथम हैं, राजधानी कन्नौज थी। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव जी हैं, राजधानी कन्नौज है। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव हैं, राजधानी अजमेर है। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र जी हैं और राजधानी धारा नगरी है। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक हैं, राजधानी खजुराहो या महोबा है। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज हैं, राजधानी अनिलवाड़ है। कलचूरी वंश के संस्थापक कोकल हैं, राजधानी त्रिपुरी है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, राजधानी दिल्ली। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश गुलाम गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश खिज्र खां। लोदी वंश बहलोल लोदी। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का हैं, राजधानी विजयनगर थी। सालू वंश के संस्थापक नरसिंह हैं, राजधानी विजयनगर है। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह हैं, विजयनगर ही। अरावीडु वंश के संस्थापक तिरुमल पेनुकोंडा से, राजधानी है। बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू जी हैं, गुलबर्दा यानी बीदर से। और आदिलशाही वंश आदिलशाह ने बीजापुर में की। निजामशाही वंश मलिक अहमद ने अहमदनगर में की। इमादशाही वंश फतेह उल्ला इमाद बरार में इसकी स्थापना की। कुतुबशाही वंश कुली कुतुबशाह गोलकुंडा में स्थापित की। बारिदशाही वंश अमीर अली बारिद बीदर में। सरगी वंश मलिक सरवर जौनपुर में। मुगल वंश बाबर दिल्ली या आगरा। भोंसले वंश शिवाजी रायगढ़ में। हैदराबाद के जो स्वतंत्र राज्य हैं निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में।
बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।